सामने भी जो प्लेयर्स मौजूद है उनके पास भी आपको वो यूटिलिटीज देखने को मिल जाएगी और वो अलग करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप लाइट को देखें वो ज्यादा आगे गए सेंसे बेहतरीन पिक के साथ, कोई खिलाड़ी को डाउन करेंगे फिनिश ऑफ करेंगे सेंसे, वो दोनों फिनिशेस अपने पास लेके गए। वो चाहते हैं पहले लविशिल जो जाए, अनुज के एचपी फुल है, सामने जो प्लेयर है उनके एचपी कम देखने को मिल जाएगा, नॉक्स ऑफिशियल को देखे तब ये खिलाड़ी नॉक होके फिनिश ऑफ होता हुआ देखने को मिल जाएगा, गॉडेक्स आगे बढ़ने का प्रयत्न करे, गॉडेक्स के एचपी है नहीं, बट वहीं पे गॉडेक्स को बैक एंड साइड से डाउन कर दिया गया और वहीं पे रश बॉय को वो डाउन करते हुए नजर आते हैं। बड़ी चर्चा तो यही है कि यहां से वो नॉक को फिनिश करके तब्दील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट सैम को डाउन किया जाएगा, देखेंगे कि कब जाकर वो मुकाबला देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए फिलहाल साइफर ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी रिकवर भी कर लिया, शिकार भी बनाया और लेजेंड के प्लेयर्स उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती नजर आएगी और टीममेट के हाथों जेरी आगे बढ़ेंगे, जेरी आगे बढ़ेंगे वो नॉक निकालेंगे, बट जेरी उनके खिलाड़ी को वो नॉक नहीं होने देना चाहते, क्या हेड्स को डाउन किया गया, किस को लिया अभी भी उनके पास है लेकिन वो लोड लेना पड़ेगा, वो रिलोड लेंगे, सामने से प्लेयर आएंगे, सामने वाले प्लेयर उनके पास भी आपको वो शॉटगन देखने को मिल जाएंगे, मुदित का वो कनेक्शन बनेगा टीम लॉस, जहां पे नॉक्स ऑफिशियल उनके केवल मात्र दो खिलाड़ी बचते हुए नजर आए, बट वेंजेंस का ये ग्रेनेड नॉक निकाल सकते हैं, वेंजेंस के पास एक और ग्रेनेड देखने को मिलेगा, शायद से यहां से भी एक और नॉक निकाल सकता है, वो पीछे गए और पीछे से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट एविल लंजा वो मैक्सी को डाउन कर चुके और अब मिथ के पास वो प्लेयर्स आपको कम बचते हुए देखने को मिल जाएंगे और आपको फिर से मिसफिट्स वो चारों प्लेयर्स के साथ देखने को मिल जाएगी, बट अनजान है सुपरमैन के एंगल से, एक और ग्रेनेड यहां से ताका गया, नियो आगे बढ़ के लविश को डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे, नियो एक बार फिर से वो आगे बढ़ गए, ये साथ आप जोड़ दीजिए वो 10 की होती हुई नजर आ जाएगी, बट कैरोल वो आगे बढ़ना चाहते, एम पॉड उनके सामने रहेंगे, रीपर एक खिलाड़ी व्हीकल में बैठ के हील कर रहा है, अपनी टीम की उम्मीदों को जीवित रख रहा है, अपनी टीम को आगे लेके जा रहा है, बट एम पॉड को आप देखे उन्होंने राल्फ को भी डाउन कर दिया, काफी बढ़िया अभी तक सर्वाइव कर रहे तीन टीमें सात खिलाड़ी, लुक एट दिस फर्टिलिटी का रोल इन दिस बैटल, लुक एट द ग्रेनेड दे आर ऑन फायर, आप देख सकते हैं शुरुआत एस्ट्रो किड्स पिकअप के खिलाफ करेंगे और जैसे कि हमने बात ही की थी थोड़ी देर पहले, एस्ट्रो किड्स वो नहीं रुकने वाले और ये लीजिए, लेकिन उन्हें वो कवर चाहिए रहेगा जो उनके टीममेट प्रोवाइड करेंगे, इसके पास वो एक ऐसी शॉटगन है जिसमें शक्ति है कि वो इस ग्रेनेड की दिशा सटीक होनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं तो उनके एचपी है नहीं और इस ग्रेनेड की दिशा सटीक पॉइंट हिल पर डाउन कर दिया गया, लुक एट दिस टीम साइफर, लेकिन इनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल क्योंकि इनके सामने आंकड़ों का खेल है, फैटालिटी को मिलता नजर आएगा। अभी के लिए अगर हम बात करें जेरी, इस खिलाड़ी के सामने आप 1v1 के लिए आ नहीं सकते, इस खिलाड़ी के पास वो मोमेंटम है, इट्स अ 1v2 नन अदर देन टीम माइंडी, वो 209 पॉइंट्स के साथ आपको टॉप के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, बट टीम फैटालिटी उन्होंने वो दूसरा स्थान ग्रैब कर लिया और यहां से वो पीछे भेजते हुए नजर आ जाएंगे टीम लॉल्स को, यानी कि 25,000 वो उनके पास कई दिनों तक थे लॉल्स के पास, वो भी गए और फिर उसके बाद उनके पास मौका था वो 12,000 ले पाए, वो भी गए और अब उनको मिलेंगे यहाँ से वो 8,000 रुपए इनकी टीम को मिलेंगे। देखिए धनराशि मैटर नहीं करती है, मैटर करता है टॉप के ऊपर आना, बट एक और चीज होती है जो मन को थोड़ा सा ललचाती है और वो यही है एडमिथ ऑफिशियल 181 के साथ वो आपको चौथे स्थान के ऊपर नजर आएंगे, एरर ईस्पोर्ट्स 173 के साथ वो पांचवें स्थान के ऊपर, टीएमसी वो 173 के साथ छठे स्थान के ऊपर नजर आ जाएंगे, मिसफिट्स 164 वो क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया, अलीबाबा रेडर्स 162 उनका भी नहीं हो पाया, अपराइजिंग राइवल्स वो तो खैर जल्दी एलिमिनेट हो गया 146 के साथ वो नौवां स्थान, बट यहाँ पे एक और चीज आईएनडी को वो जो चार पॉइंट्स मिले थे अगर वो ना मिले होते जहाँ पे उनके वो दो प्लेयर्स ज्वाइन नहीं कर पाए तो उस मैच में, फिर भी ये टीम बहुत ही बड़ी लीड के साथ आपको देखने को मिल जाती, तो मैटर यही करता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान दें, बाकी टीम ब्लूसी पे ध्यान दे रही है। देखिए मैं इम्प्रेस्ड हूँ टेरर ईस्पोर्ट्स से, #9 पे थे एंड लुक एट द वेव #5 टॉप 6 में आखिरकार उन्होंने जगह पर ना ही ली, यानी कि वीक 27 में इनका स्वागत करना पड़ेगा और यहाँ पर दो टीमें हैं जो सेम पॉइंट्स के साथ नजर आ रही हैं, फैटालिटी एंड लॉल्स और साथ ही साथ सी और टेरर, पर दूसरा पन्ना कुछ खास नहीं, साइफर ईस्पोर्ट्स, नंबर वन ईस्पोर्ट्स, नेबुला ईस्पोर्ट्स, एस्ट्रो किड्स, पिकअप एक्सट्रैगन, लेजेंड ईस्पोर्ट्स, आरवीएनसी ईस्पोर्ट्स और नॉक्स ऑफिशियल्स और साथ ही साथ कार्निवल गेमिंग। देखिए बॉस जी अंकों की अगर हम बात करेंगे तो कम भी हैं और ऐसे भी हैं कि शायद से वो कमबैक हो सकता था, बट समाप्ति था आज